कभी घर की चार दीवारी में खुद को कैद रखने वाली महिला अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सशक्तिकरण की नई पहचान बन रही हैं। चाहे बात हो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, नेतृत्व की या की प्रबंधन की, हर क्षेत्र में महिलाओं ने प्रगति की है। महिलाओं द्वारा किए जा रहे उसी प्रबंधन की मिसाल है मध्य प्रदेश की तेजस्विनी महिलाओं का ये समूह, जो डिंडोरी जिले के ग्राम कोहानी देवरी में लगने वाले हाट बाजार की गतिविधियों का कुशल प्रबंधन के साथ संचालन कर रहा है। हमारी सब दीदियों ने सलाह बनाई थी कि अपने यहाँ मार्केट लगता है, अपन को बाजार लेनी है। हम लोग ने 10-10 रुपए जोड़कर अपनी समूह में एक समूह बनाया। उसमें हम लोग ने अपने खाता बैंक में खाता खुलवाया। फिर हम लोग ग्राम पंचायत गए। ग्राम पंचायत में दूसर कोई लेते थे, बाहर के आते थे जो बाजार लेते थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे गांव मार्केट लग रही तो हम लोग दीदी क्यों ना लें। तो हम सब 10 दीदी गए ग्राम पंचायत में। फिर वहां पे प्रस्ताव पारित किए। सरपंच साहब बोला कि हमारी समूह की दीदी ही बाजार वसूली करेंगे और दीदी ही ठेका लेंगे हमारे। 2011 से हम लोग सर वसूली ले रहे हैं। शुरू में 30,000 में लिए, फिर 36,000 में लिए। ऐसे बढ़ते बढ़ते इस समय पे हमारे 65,000 में बाजार पहुंच गए। ठेका में हम लोग बाजार वसूली करने लगे। कुछ दीदी हैं मनिहारी करती, कुछ बर्तन का है, ऐसे कुछ कपड़े का है, कुछ किराना है। हम लोगों की आमदनी होने लगी इससे। कुशल प्रबंधन का उदाहरण बनी ये महिलाएं कहीं हाट बाजार की व्यवस्था कर नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही हैं, तो कहीं अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए घर घर में किचन गार्डन बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 10 बैठ के करवाई थी, उनमें हर में उतरा और मतलब भी उनको समझाता रहा, जैसे समझाती रही सो सीखो भी है। फिर उन्होंने बीज दा, सो बीज मतलब वो हमने खाद भी वे उनके द्वारा दिए गए थे। 3 महीना हो गए जब से सब्जी हमने बाजार की नहीं खाई। केमिकल मुक्त आहार को बढ़ावा दे रही हैं और भोजन के दौरान पोषण का पूरा ख्याल रखते हुए परिवार को स्वस्थ बना रही हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद यही महिलाएं मिट्टी परीक्षण जैसी जटिल प्रक्रिया को आसानी से अंजाम दे रही हैं, उन्नत कृषि कर रही हैं, बैंकों में जाकर लेन देन भी कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में एक समय राजनीति के नाम पर घर से भी बाहर ना निकलने वाली ये महिलाएं आज जीराबाई की तरह समाज को दिशा दे रही हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कटकाहा ग्राम में रहने वाली जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती जीराबाई सपेरा, कोशिशों से कामयाबी की कहानी लिखने वाली जीराबाई का आज इलाके की हर दिशा में नाम है। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब यह प्रतिभावान महिला गरीबी और अभावों से जूझ रही थी, मगर तभी उसकी जिंदगी में मसीहा बनकर साथ निभाने आई तेजस्विनी। तेजस्विनी के पार्वती स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद जीराबाई की सोच बदलने लगी। सबले महिला बोले कहने लगे कि चुनाव लड़ो, चुनाव में सबले महिला ने कि हम तो आप जिताओगी। कहने लगी हाँ जिताएंगे, हम 13 गांव हैं, 13 गांव में गए। सबली महिला ने हमको चुनके जितवा के जनपद में बना लिया। समूह से मिले संबल और तेजस्विनी की प्रेरणा से जीराबाई वर्ष 2015 के त्रिस्तरीय चुनाव में जनपद पंचायत सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनी, जहां उनके खिलाफ 4 कद्दावर उम्मीदवार विपक्ष में थे। लेकिन जीराबाई के हौसले के आगे किसी की एक न चली और आखिरकार अच्छे मतों के साथ जनपद पंचायत सदस्य के रूप में चुन ली गईं जीराबाई। चुनाव जीतने के बाद में कोई खत्म हो गया उसको परिवार सहायता पैसे निकलवाए और उनकी बीपीएल पे नाम भी जुड़वाए और ऐसा पेंशन भी लगवाई, खाते भी खुलवाए। फिर जी के बाद में हम शौचालय बनवाए और कीचड़ मचा रहता था पहला खोरो खोरो पे, कीचड़ के बाद में सीसी होने लगा। बदलाव को अच्छा आया, आज मैं बहुत खुश हूँ।